सरकार के एक साल पूरे होने पर दिल्ली बीजेपी ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और बीजेपी का कहना है कि सरकार ने पिछले 3 साल में दिल्ली को विकास नहीं सिर्फ विनाश किया है। प्रदर्शन करने पहुंचे कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी लगी हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो सरकार के 3 साल पूरे होने पर केजरीवाल के घर प्रदर्शन करने पहुंचे। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने दिल्ली में वायदों के बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे थे लेकिन वो सब झूठे वादे निकले और सरकार ने पिछले 3 साल में दिल्ली को 30 साल पीछे कर दिया है। यही कारण है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। ये 3 साल में तो इसने दिल्ली को विनाश के रास्ते पे ले चले गए हैं और मैं समझता हूँ 3 साल में दिल्ली 30 साल पीछे। ये सारे झूठे और झांसों की बात है। जो हुआ है दिल्ली की जनता जान रही है और जनता सड़क पे है और अरविंद केजरीवाल का अंत निश्चित है। प्रदर्शन करने आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस ने थोड़े बल का प्रयोग किया, साथ ही वाटर कैनन का प्रयोग भी किया गया। वाटर कैनन के प्रहार से बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ये प्रहार करवाया है। हालांकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास है और केंद्र में बीजेपी की ही सत्ता है, बावजूद इसके पुलिस ने कार्यकर्ताओं को घायल किया। इस प्रकार से 3 साल सरकार के पूरे हुए हैं, भ्रष्टाचार, दुराचार और ये गंदी चाल, ये अरविंद केजरीवाल के 3 साल, उसके विरोध में जो आज हमने प्रदर्शन किया, पुलिस ने बलपूर्वक उसको रोकने की कोशिश की, कई हमारे कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। ये है 3 साल अरविंद केजरीवाल जी के। हम अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक तरीके में जो हमें हक है उसको भी दबाया जा रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जो इन्होंने कुशासन दिया है उसके विरोध में हम उनको प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको तुरंत से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सरकार एक ओर जहां अपने कामकाज का बखान कर रही है और कह रही है कि जो पिछले कई सालों में काम नहीं हुआ उतना आम आदमी पार्टी की सरकार ने 3 साल में कर दिया है, लेकिन इसके उलट बीजेपी ये कह रही है कि 3 साल में विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। कौन सच्चा है और कौन झूठा है इसका फैसला तो जल्द उपचुनाव में हो जाएगा। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इसी तरह जरूर चलती रहेगी। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़।